हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल लव फॉर फार्मा। मैं सत्यम गुप्ता, एक फार्मा प्रोफेशनल कंसल्टेंट और इंटरप्रेटर, फिर से आपके सामने हूं फार्मा से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड, किसी ने क्या खूब कहा है कि ऑलवेज गो फॉर इंप्रूवमेंट इंस्टेड ऑफ परफेक्शन। क्योंकि जब भी हम इंप्रूवमेंट के लिए जाते हैं तो हमारे पास स्कोप होता है कुछ बेटर करने का, कुछ अपने आप को इंप्रूव करने का। लेकिन जब भी हम अपने आप को परफेक्ट समझने लगते हैं तो हमारा स्कोप वहीं पर खत्म हो जाता है। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज गो फॉर इंप्रूवमेंट। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक की डिमांड मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स कर चुके हैं। वैसे तो वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार हमारे जूनियर प्रोफेशनल्स उसमें कंफ्यूज जाते हैं। वो टॉपिक है जीएमपी और सीजीएमपी के बीच में डिफरेंस। एक्चुअली आप जानते हैं कि क्यों आप सीजीएमपी और जीएमपी के बीच में कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि जीएमपी और सीजीएमपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज सीजीएमपी है वो कभी ना कभी जीएमपी था, और जो आज जीएमपी है वो कभी ना कभी सीजीएमपी हो जाएगा। सीजीएमपी का पास्ट जीएमपी था और जीएमपी का फ्यूचर सीजीएमपी होगा। क्यों फिर से कंफ्यूज हो गए ना? चलिए, इसी कंफ्यूजन को मैं आज इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा, और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के थ्रू मैं इन दोनों के डिफरेंस को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। लेकिन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोरोना के इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोग प्लीज कोरोना से बचने के वो सारे रूल फॉलो कीजिए जो हमें बताए गए हैं। फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, फेस और मास्क लगाना हो, या फिर थॉरोली और रैंडमली अपने हाथों को क्लीन करना हो, हाथों को क्लीन करना। तो चलिए क्यों ना इसी हाथों की क्लीनिंग को ही अपने एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं और जीएमपी और सीजीएमपी के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हाथों की क्लीनिंग को मैं एक टर्मिनोलॉजी देना चाहूंगा आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए, जो कि होगी गुड हैंड क्लीनिंग प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता हो तो आज से कई साल पहले लोग हाथों को धोने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल किया करते या फिर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी का इस्तेमाल किया करते। फिर धीरे धीरे लोगों ने मिट्टी को छोड़कर राख का इस्तेमाल करना शुरू किया, और धीरे धीरे राख की जगह ले ली साबुन। आज हमारे पास लिक्विड सोप है, हैंड सैनिटाइजर है, जो कि मिट्टी, राख या फिर साबुन से कहीं बेटर है। फ्रेंड्स, अब ये सोचिए कि जिस वक्त हमारे दादा या परदादा हाथों को पानी से या सिर्फ मिट्टी से धोया करते थे, उस वक्त क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि हाथों को धोने का ये एडिक्वेट तरीका नहीं है, या फिर इससे कोई बेटर तरीका हो सकता है हाथों को धोने का? जी नहीं, उस वक्त उनके लिए यही बेस्ट हैंड क्लीनिंग प्रैक्टिस थी। ठीक इसी तरह जब हम राख या साबुन से हाथ धोते थे तो क्या कभी हमने सोचा था कि इससे भी बेटर कोई ऑप्शन आएगा? क्या लिक्विड सोप आएगा, या फिर कोई एक ऐसा सैनिटाइजर आ जाएगा जो कुछ ही सेकंड्स में 99.9% जर्म्स को किल कर देगा? जी नहीं, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। हम सभी के लिए हमारी हैंड क्लीनिंग प्रैक्टिस उस वक्त वही बेस्ट थी। तो अब सवाल ये आता है कि पहले के द्वारा किए गए लोगों की प्रैक्टिस भी उनके अकॉर्डिंगली अच्छी थी, यानी जीएमपी थी, और आज के लोगों के द्वारा की गई भी प्रैक्टिस अच्छी है, यानी कि जीएमपी है। तो फिर पहले और आज की प्रैक्टिस में फर्क क्या है? बस यही फर्क हम समझना चाहते हैं। पहले के लोगों के द्वारा की गई प्रैक्टिस थी जीएमपी, और आज के लोगों के द्वारा की जा रही प्रैक्टिस सीजीएमपी है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं द ओल्ड वन इज जीएमपी एंड द लेटेस्ट वन इज सीजीएमपी। फ्रेंड्स, जीएमपी कई सारे प्रैक्टिसेस, मशीनरी और एक्टिविटीज का एक सेट होता है, जो कि एश्योर करता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी ड्रग प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो हमारे प्री डिटरमाइंड क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट कर सके। यानी कि हम जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा ही प्रोडक्ट हमें मिले, और रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो भी पैरामीटर सेट किए गए हैं उसे मीट करे। और सीजीएमपी कुछ और नहीं बल्कि हमारे जीएमपी का ही लेटेस्ट या फिर अपडेटेड वर्जन होता है, या फिर हम कहें कि जीएमपी को बेटर बनाने के लिए उसमें जो एडिशनल चीजें करते हैं उसे ही हम सीजीएमपी कहते हैं। हमें ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि कैसे कल का जीएमपी अपडेट होकर आज का सीजीएमपी बन चुका है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो पहले हम प्रोडक्शन में मल्टी मील यूज करते थे, अब उसकी जगह पे हम आरएमजी यूज करते हैं। पहले हम ट्रेडायर यूज करते थे, अब उसकी जगह पे हम एफबीडी या एफबीपी भी यूज करते हैं। पहले हम सारी डॉक्यूमेंटेशन मैनुअली करते थे, अब वो अपग्रेड होकर हम सैप में करते हैं या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी करते हैं। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो पहले ज्यादातर एनालिसिस हम टाइट्रेशन के थ्रू करते थे, और अब ज्यादातर एनालिसिस एचपीएलसी, जीसी या डबल एस जैसे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट पे हम करते हैं।
और भी आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि कैसे फार्मा के अंदर जीएमपी अपग्रेड होकर सीजीएमपी में कन्वर्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, जीएमपी का इनिशिएशन यूएसए में हुआ था। यूएसए का फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट यानी कि यूएसएफडीए अपनी जो प्रैक्टिसेस है, जो सेट प्रैक्टिसेस है, उनको हमेशा इंप्रूव करना चाहता था, ना कि सेट एंड फॉरगेट के कॉन्सेप्ट में फंसकर रह जाना चाहता था। सेट एंड फॉरगेट का मतलब होता है कोई भी प्रैक्टिस आपने अच्छे से सेट कर ली और उसके बाद उसे अपग्रेड करना आप भूल ही गए या फिर कभी कोशिश नहीं की, यानी कि एक बार आपने अच्छे से सेट प्रैक्टिस कर दी उसके बाद उसको इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। और उस कंडीशन में क्या होता है कि हम एक ही घिसी पिटी प्रैक्टिस में बंद कर रह जाते हैं और उसे अपग्रेड नहीं कर पाते। और किसी भी प्रैक्टिस को कंटिन्यूस इंप्रूव करना बहुत जरूरी है उसे बेटर और अच्छा बनाने के लिए। फार्मा में सीजीएमपी अपडेशन हम तक पहुंचाने के लिए कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि अपनी गाइडलाइंस के थ्रू हमें सीजीएमपी के बारे में अपडेशन देती रहती हैं, जैसे कि यूएसएफडीए की 21 CFR, ICH की Q7, DNC की शेड्यूल M, PICS की P00914 एंड मैनी मोर। तो ये है जीएमपी और सीजीएमपी का बेसिक डिफरेंस। सीजीएमपी लेटेस्ट वर्जन है और जीएमपी हमारा पुराना वर्जन है, या फिर जीएमपी जो हम कर रहे हैं वो है और सीजीएमपी जो भी उसमें अपडेशंस आएंगी वो होती हैं जो कि हमें रेगुलेटरी की गाइडलाइन के थ्रू मिलती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये तो अच्छी बात है कि सीजीएमपी अपडेटेड वर्जन है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? जी नहीं, सीजीएमपी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि सीजीएमपी को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें आती हैं और वहां पर वो जीएमपी और सीजीएमपी में क्या डिफरेंस आता है, यानी सीजीएमपी जीएमपी से किस तरह से डिफर करता है वो समझते हैं। और ये समझने के लिए हम कुछ स्लाइड्स की हेल्प लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जीएमपी एंड सीजीएमपी ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन। यानी कि ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करते हुए सीजीएमपी और जीएमपी में क्या डिफरेंसेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस के प्रॉस्पेक्ट पे जो हमारे इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जीएमपी इज लोअर क्वालिटी एश्योरेंस ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोमेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोसेस सिस्टम एम्प्लॉय। यानी कि जीएमपी में जो क्वालिटी एश्योरेंस का लेवल होता है वो कॉम्पेरेटिवली यानी कि सीजीएमपी की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इसमें जो डे बाय डे जो नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो ऑटोमेशंस होती हैं, वो एडप्ट नहीं हो पाती हैं जैसा कि सीजीएमपी में होती हैं। इसीलिए जीएमपी सीजीएमपी की कंपैरिजन में थोड़ा सा क्वालिटी एश्योरेंस के लेवल पे थोड़ा सा कम होता है, जबकि सीजीएमपी में इट इज़ मोर रिलायबल इन क्वालिटी एश्योरेंस व्हेन कंपेयर टू जीएमपी ड्यू टू एडिशनल यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि सीजीएमपी में हमेशा नई जो एश्योरेंस जो ऑटोमेशंस होती हैं वो एडअप होती रहती हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एडअप होती रहती हैं, इसीलिए सीजीएमपी जीएमपी की कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल होता है, इसके क्वालिटी एश्योरेंस का लेवल ज़्यादा होता है। नाउ वील डिस्कस इन प्रॉस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। व्हेन टॉक अबाउट जीएमपी इट इज़ मच ब्रॉडर एंड इट गोज डीपर इन टू कंप्लेंट्स बुक कीपिंग पर्सनल एंड लेबलिंग प्रैक्टिस एज सो मच मोर। यानी कि सीजीएमपी की कंपैरिजन में जीएमपी की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, काफ़ी ब्रॉडर होती हैं, काफ़ी डीप होती हैं। ये कई सारे डिपार्टमेंट्स को एडहेयर करती हैं, कई चीज़ों में एडहेयर करती हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीजीएमपी एप्लीकेबल इज सेलेक्टेड सिनेरियोज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओनली। यानी कि सीजीएमपी की जो मोस्ट ऑफ द अपडेशंस होती हैं, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सीजीएमपी को अपग्रेड करती हैं, वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही रेलिवेंट होती हैं। इसलिए जो जीएमपी होता है उसकी ये एप्लीकेशन ज़्यादा डीपर होती है इन कंपेरिजन टू सीजीएमपी। डीपर भी होती है और ब्रॉडर भी होती है। ओके, सो नाउ वील डिस्कस इन प्रॉस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट द मेजर फैक्टर विच रेगुलेट्स द सीजीएमपी एंड जीएमपी। जब भी हम सीजीएमपी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो होता है कॉस्ट का, क्योंकि कंपनीज को कॉस्ट ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है सीजीएमपी, इसीलिए कॉस्ट का जो फैक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा कह लिए कंसिडरेबल होता है। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट जीएमपी कॉस्ट फ्रेंडली टू इम्प्लीमेंट इट इन्वॉल्व्स बेसिक गाइडलाइन एंड दैट कंपनीज वुड एडहेयर। यानी कि जो जीएमपी होता है वो काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली होता है,
यानी कि इसमें जो हमारे के लिए इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है जीएमपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसमें बेसिक गाइडलाइन ही, जैसा मैंने पहले भी बताया कि बेसिक प्रिंसिपल पर ही काम करता है, तो मोटा मोटा आप ये समझो कि जो जीएमपी होता है उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। When we'll talk about CGMP, it is more expensive to implement and it is involves the acquisition of new and innovative technology which may be pricey. यानी कि जब भी हम CGMP को implement करने की बात करते हैं तो वो comparatively हमें महंगा पड़ता है। अब जैसा कि मैंने example लिया था पहले कि जैसे हम पहले mass mixer को यूज़ किया करते थे, लेकिन मास मिक्सर की जगह जब आरएमजी ने ली तो डेफिनेटली मास मिक्सर से आरएमजी महंगा पड़ा, तो हमें जब सीजीएमपी पे गए हमें तो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। इसी तरह से जब हमने बात की थी एनालिसिस के पार्ट पे कि पहले हम टाइट्रेशन करते थे उसके बाद हम एचपीएलसी पे गए, तो डेफिनेटली जो टाइट्रेशन की जो कॉस्ट है वो नो डाउट एचपीएलसी की कंपैरिजन में काफ़ी कम आती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीजीएमपी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें काफ़ी महंगी पड़ती है, और यही रीज़न है कि सारी कंपनियाँ सीजीएमपी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। ओके फ्रेंड, सो नाउ वील डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जीएमपी एंड सीजीएमपी इन प्रॉस्पेक्ट ऑफ यूजेज। जीएमपी, मोर देन 100 कंट्रीज हैव सेट मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशंस बेस्ड ऑन जीएमपी, यानी कि 100 से भी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जीएमपी के बेस पे काम कर रही हैं, यानी जीएमपी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम कर रही हैं, यानी कि जीएमपी को फॉलो करने वाली कंपनीज का जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं। वाइल व्हेन वी विल टॉक अबाउट सीजीएमपी अप्लाई टू लेस कंट्रीज एज कम्पेयर टू जीएमपी, यानी कि जब सीजीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी की कंपैरिजन में सीजीएमपी की जो इम्प्लीमेंटेशन वाली कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी कम है। जैसा कि हम जानते हैं यूएसएफडीए, एमएचआरए, मतलब कि ये जो कंट्रीज़ हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सारी कंपनियां हैं जो सीजीएमपी को फॉलो कर रही हैं। इंडिया भी उनमें से एक है जो अब सीजीएमपी को फॉलो कर रही है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि जो जीएमपी को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हैं और सीजीएमपी को फॉलो करने वाली कंट्रीज़ कम हैं। और उसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट का। उसको इम्प्लीमेंट सीजीएमपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं मिलती है, जीएमपी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसीलिए शायद 100 से भी ज़्यादा कंट्रियाँ हैं जो सिर्फ जीएमपी ही फॉलो कर रही हैं इंस्टीड ऑफ सीजीएमपी। एंड द फाइनल वन इज एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब कि कितना हमारे लिए वो एक्वायर करने लायक होता है, कि जीएमपी ज़्यादा एक्वायर करने लायक है या सीजीएमपी करने लायक है। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट जीएमपी, द एक्विजिशन ऑफ जीएमपी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट इज मच इजियर एज दे आर मोर जनरल। जैसा कि मैंने कहा कि एक्वायर कैसे कर सकते हैं, तो जीएमपी की जो प्रिंसिपल्स हैं, जीएमपी की जो गाइडलाइंस हैं, उनको एक्वायर करना, उनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी होता है। जैसे कि इसमें अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हम बात करते हैं, जब हम सीजीएमपी की बात करते हैं तो उसमें जैसे दिया हुआ है कि हमें चेंज रूम्स फॉलो करने चाहिए, एयर लॉक्स फॉलो करने चाहिए, क्लीन एरियाज फॉलो करने चाहिए। डेफिनेटली जीएमपी में भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं, लेकिन जब हम मॉडल वाइज बात करते हैं तो सीजीएमपी के जो एयर लॉक्स के मॉडल हैं वो कॉम्पिटिटिवली काफ़ी महंगे पड़ते हैं इन कंपेरिजन टू जीएमपी, और इसीलिए जीएमपी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा एक्वायरेबल होते हैं, ज़्यादा ईजी होते हैं इम्प्लीमेंट करने पर। जबकि जब हम सीजीएमपी की बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स आर लेस एक्वायरेबल देन जीएमपी, यानी कि जीएमपी की कंपैरिजन में ये कम एक्वायरेबल होते हैं और मोर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंटेशन होते हैं। यानी कि जीएमपी ज़्यादा ईजी है इम्प्लीमेंट करने में, सीजीएमपी थोड़ा सा मुश्किल है उनकी कंपैरिजन में इम्प्लीमेंटेशन में। बट इट डजेंट मीन कि सीजीएमपी हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। नो डाउट उसके यूजेस, एक्विजिशन और कॉस्ट का फर्क पड़ता है, लेकिन अगेन आई विल से कि जीएमपी की कंपैरिजन में हमें सीजीएमपी की तरफ ही जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सीजीएमपी को ही हम फॉलो करें और एप्लीकेबल करें। तो फ्रेंड्स, ये थे बेसिक डिफरेंस जीएमपी और सीजीएमपी के बीच में। सीजीएमपी हमारा अपडेटेड वर्जन है जो कि हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी देता है, अच्छी क्वालिटी आउटपुट देता है और साथ ही साथ हमारे डॉक्यूमेंटेशन को भी स्ट्रांग करता है। तो मैन्युफैक्चरर्स को ये समझना चाहिए कि कितनी जल्दी से जल्दी और कितनी अच्छे तरीके से हम सीजीएमपी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थे जीएमपी और सीजीएमपी के बीच के डिफरेंसेस।
आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं फिर किसी ना किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, फार्मा के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आऊंगा और उसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।